आजमाते, बातों के लिए कोई भाषा भी आजमाते, जरूर अपनी चीजों को कुछ नाम देते, बच्चों को अपने कुछ सीख देते। ठीक है भाई, पर कौन सी भाषा भारतवासी, कौन सी भाषा बोलते वो भारतवासी, कौन थे वो पहले भारतवासी। भारतवासियों के बारे में जानना हो। अरे क्यों आपको देखकर बोर हो गए? हमें थोड़ा है ना नाचने गाने मिलता है। बच गए लोग कि सब लोग नहीं नाच गा रहे। सिंह खाना इतना मुश्किल होता है पता है? पता है। पहले भारतवासी हमें मिले थे पत्थर युग में। भारत की छाप को हमने वहीं से ढूंढना शुरू किया और धीरे धीरे हम आ पहुंचे 20वीं सदी में। पिछली बार हमने बातें की आज़ादी से लेकर आज तक की, और अब कुछ यादें ताज़ा करने का, कुछ आगे की सोचने का वक्त आ गया है। इतना तो हम ज़रूर जान गए हैं कि भारत में विज्ञान की परंपरा शुरू से ही रही है, और ये पक्के तौर पर कि दूसरी सभ्यताओं से मेल जोल होते रहे, बदलाव होते रहे, जिनसे अक्सर हमारा विज्ञान आगे बढ़ा है। हमने ये भी पाया कि समाज और विज्ञान एक दूसरे पर असर डालते रहे हैं। आज का युग तो साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। इनका हमारे समाज में किस तरह से उपयोग लिया जाएगा, संभावनाएं क्या हैं, कौन से तरीके अपनाएंगे हम? डॉक्टर गुप्ता, IRS-1A सैटेलाइट द्वारा श्रीहरिकोटा के लिए गए फॉल्स कलर कॉम्पोजिट पिक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर लाल रंग वन और वनस्पति को दर्शाता है, जबकि नीला रंग जलाशयों को दर्शा रहा है। ये पुलिकेट लेक है और ये बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार से डिफरेंट कलर्स के अंदर वन की सघनता और प्रकार को दर्शाया जा सकता है। इसको डिटेल में देख सकते हैं? यस, इस प्रकार से बढ़ा करके और कम करके देखा जा सकता है। विकास योजनाएं बनाने वाले दूर संवेदन से बेहद फायदा उठा सकते हैं। इसके जरिए खनिज पदार्थों का पता लगाया जा सकता है, किसानों को जरूरी मौसमी जानकारी मिल सकती है, पर्यावरण से जुड़े हालात की जांच परख की जा सकती है, फिर लगातार निगरानी की मदद से मरुस्थल का फैलना आदि देखा जा सकता है, पानी और समुद्र संपदा को जाना जा सकता है, बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी की जा सकती है, भूसतह के नीचे के पानी के स्रोतों को ढूंढा जा सकता है। सैटेलाइट द्वारा डिजिटल सिग्नल्स के रूप में भेजी गई जानकारी रिसीविंग स्टेशन टेप पर रिकॉर्ड कर लेता है। इस जानकारी का कंप्यूटर जरूरतों के मुताबिक विश्लेषण करते हैं, साथ साथ इस जानकारी से फोटोग्राफिक इमेज बनाई जा सकती है। इस मशीन में ऐसी ही एनलार्ज फोटोग्राफिक इमेज तैयार होकर बाहर निकल रही है। आई हैव रेड अबाउट वेरियस एप्लीकेशंस दैट सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग मेक्स पॉसिबल। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के डॉक्टर उन्नी ने वन विनाश का अध्ययन किया है। दूर संवेदन से हमें न सिर्फ किसी एक जगह की एक वक्त की जानकारी मिलती है, पर हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक पूरी अवधि के दौरान किसी जगह में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि उपग्रह तो बार बार उस जगह के ऊपर से गुजरता है। मेनी प्रोजेक्ट वी हैव डन, प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन मे बी द ग्रॉस फॉरेस्ट कवर मैप, जैसे कि वन क्षेत्रों की जांच। एंटायर कंट्री एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वी आर सपोज्ड टू हैव, फॉरेस्ट एक्ट ने न्यूनतम वन क्षेत्र 33% ठहराया है, 60% मैदानी और पहाड़ी इलाकों का कम ज्यादा मिलाकर। ऑल टुगेदर यू शुड हैव 33% ऑफ द फॉरेस्ट कवर। उस वक्त सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारा वन क्षेत्र 23% ही था, लेकिन उपग्रह चित्रों से पता चला कि 1972 से 75 के दौरान ये वन क्षेत्र 17% से भी कम था। 1980 से 82 के दौरान लिए गए चित्रों ने दिखाया कि केवल 14% वन क्षेत्र रह गया है। ये तो लोग जानते थे कि हमारे वन काफी नष्ट हो चुके हैं, पर इस हद तक कम हो गए हैं ये इन चित्रों से ही मालूम हुआ। इस रिपोर्ट का और एक फायदा हुआ,
पहली बार ये साबित किया गया कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत कम समय में हम बहुत फैले हुए इलाके की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को पूरे तौर पर सफल तभी माना जाएगा जब लोग सैटेलाइट द्वारा प्राप्त जानकारी मांगेंगे और अपने अनुभवों में शामिल करेंगे, जब लोग इस जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकेंगे, किसान हो या वन अधिकारी या नेता। डॉक्टर पीसी जोशी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ाते हैं। उनके साथ कई बातों पर चर्चा हुई। ये थोड़ी जरूरी है कि विज्ञान में मोनोपोली वेस्ट की ही रहेगी, बल्कि भारत अपनी परंपरा के आधार पर एक नए मूल्य प्रेरित विज्ञान का सृजन करने में जो योगदान दे सकता है और जिसकी कल्पना नेहरू जी ने की थी कि वी विल बी ओरिजिनल क्रिएटिव वैल्यू ओरिएंटेड साइंटिस्ट, तो वो स्वप्न अधूरा है। एक नया युग भारत के आवाम के लिए, एक नया अध्याय अपने जीवन में कभी नहीं खुल सकता अगर उनके जीवन में विज्ञान का प्रवेश नहीं होगा। विज्ञान ही इस नए युग की कुंजी है। करो तुमको अगुआ है बनना, बुनियाद से शुरुआत करो तुमको अगुआ है बनना। अब भी नहीं है देर हुई अगुआ तुम्हें जो है बनना, अब भी नहीं है देर हुई अगुआ तुम्हें जो है बनना। बुनियाद से बुनियाद से बुनियाद से। लोगों को विज्ञान की जानकारी देने के साथ उन्हें संगठित करने का भी प्रश्न आता है, ऐसे काम करने के लिए जो रोज की जिंदगी में सामूहिक रूप से किए जा सके। आज कई जगहों पर ऐसी कोशिशें चल रही हैं, जैसे राजस्थान में सेवा मंदिर वालों की यही चेष्टा रहती है कि गांव वाले ट्रेनिंग लेकर खुद सारे कार्यक्रम चलाएं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, वनीकरण, स्वास्थ्य की जानकारी फैलाना, बालवाड़ी चलाना। अच्छा, कोई मीटिंग में ये बात चली थी? हाँ, मीटिंग में कि बालवाड़ी शुरू करनी चाहिए, तो फिर आपने कैसे तय किया कि आप इसमें शरीक होंगी, हिस्सा लेंगी? समूह में तय भी हूँ, महिला संघ। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको कोई ट्रेनिंग मिली? ट्रेनिंग मिली। कहाँ ट्रेनिंग? काया। ये कहाँ पे है? काया उदयपुरम परमी बाद बेटी। अच्छा, जो सेवा मंदिर चला? सेवा मंदिर। हाँ, सेवा मंदिर। तो क्या क्या ट्रेनिंग मिली? ट्रेनिंग मिली एक बणतरी ट्रेनिंग मिली ना, इसी थी बालवाड़ी कई कविता बुलानी। मोटे महिला किस तरह बनाए, घर घर जाए बुला करके, नहीं आए तो वापस बुला जाए, फिर समझाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। तो अभी कितनी आती है महिलाएं आपके क्लास में? 15 भी आती है। 15 आती है, 15-20। तो कितने बार जाना पड़ा आपको इनको समझाने के लिए, बुलाने के लिए? घर घर कतरा बार गई हूँ, कतरा फिरा गई, तो धीरे धीरे समझ में आ गए तो आएगा। तो अब सब आती हैं? 10-15 ही भी आती हैं। दस्तखत सीखना जरूरी है, दस्तखत करना जरूरी है, अंगूठाने लगाना है। क्यों, क्या फर्क पड़ता है अंगूठा लगाना तो? दस्तखत क्यों करनी चाहिए? दस्तखत करे तो अच्छा रहेगा। इस प्लॉट पे कितने ट्रेंचेस बने? 750। 750 ट्रेंचेस। इसका फायदा क्या, इतनी ज्यादा मेहनत करने से क्या मिला? इनसे फायदा यू है
नीचे दो पौधा है उनके लिए ऊपर पानी जत्रु भी आवे नहीं, ऊपर वाली ट्रेन से 10 फीट 20 फीट ऊपर है नहीं, वो भी पानी जत्रो ऊपर तो आई नहीं सके, वो जत्रो उठू बच्चे जगह जानी हमें पानी भर जाए वनडे बाद में वो ज्यादातर ना पौधा ने पानी मिले अटे पानी यत्रो जो भरे जाए तो और पौधा ने पानी मिले और जमीन में नमी रही और घास जत्रो मतलब दुगुनो मतलब ज्यादा पैदा हुई। अभी जाके अपन देख सकते हैं घर घर, हम बता सकते हैं आपको जो परिवर्तन आया है और जो आ रहा है वो सब। ये जो आप स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं इसको लोगों ने किस तरह स्वीकारा है? पहले गांव के 5 सदस्य बनाए और गांव के लोगों को इकट्ठे किए और उनसे मीटिंग ली गई, मीटिंग लेने के बाद फिर गांव के सभी लोगों ने स्वीकार किया और काम करने के लिए तैयार हुए, तब हमने काम शुरू किया है और हमारे गांव और घरों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और अभी काम चालू है और पूरा भी होने जा रहा है। ये देखो मैं क्या लाऊं, ढेर सारे दवाओं के नमूने और बुकलेट्स। ये दवा कंपनियों वालों ने मेरे एक डॉक्टर दोस्त को मुफ्त में दी। अब मेडिकल सिस्टम को लो, डॉक्टरी तो आज सिर्फ एक करियर बन के रह गई है, अब गांव में जाओ ढूंढे नहीं मिलते डॉक्टर, और दवा उद्योग तो जैसे एक पैसे बनाने का मीडियम बन गया। अब देखो ना टीबी और कोड की दवाओं की कमी है, मगर खांसी के लिए 60-70 अलग किस्म के बेकार सिरप और अनगिनत विटामिन टॉनिक्स मिलते हैं। तुम तो डॉक्टर और दवाइयों की बात कर रहे हो, बीमारियों के इलाज की बात, लेकिन बीमारियों के रोकथाम भी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये समस्या तो वहाँ भी है जहाँ वर्कर्स की सेहत को खतरा बना रहता है। ये है एक रिपोर्ट बम्बई की सीवरेज वर्कर्स के हालात पर। वो वर्कर्स मांग करते रहे कि उन्हें ऐसे साधन दिए जाए जिनसे उनके काम में खतरा कम हो जाए, मगर कभी उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हुई। अभी हाल ही में कुछ लॉयर्स डॉक्टरों वकीलों ने साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिनका नाम है ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी सेंटर, और उन्होंने नालों में काम करने वालों पर पहली स्टडी की। ये तो हम देख ही चुके हैं कि अकेले विज्ञान अपने आप समाज को नहीं बदल सकता, और उसी तरह जन विज्ञान आंदोलन भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, मगर हाँ वो रास्ते जरूर दिखा सकता है जिन पर पहले कभी नजर नहीं पड़ी थी, या नजर में थे लेकिन उन पर चलने की हिम्मत नहीं हुई थी, और आज वो खुद नहीं तो दूसरों के साथ मिलकर बड़ी महत्व की भूमिका निभा सकता है, जैसे किसान और मजदूर आंदोलन, सरकारी योजनाओं के साथ स्कूली शिक्षा से जुड़कर, जन संचार का उपयोग करके। और हम लोग जो ये फिल्में बना सके उसके पीछे भी जन विज्ञान आंदोलन की ही चेतना थी, और हम लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं भारत के विज्ञान के इतिहास, उस पर रिसर्च करना और उसे दूर तक पहुंचाने का प्रयास, ये भी जन विज्ञान आंदोलन का ही एक हिस्सा कहलाएगा। शुरू करें। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। ज्ञान मिला विज्ञान पला, समाज चला नया रंग खिला। ज्ञान मिला विज्ञान पला, समाज चला नया रंग खिला। हमारे विकास और हमारे विज्ञान के विकास का क्रम भी हर जगह तकरीबन एक जैसा ही रहा, और इसकी छाप औजार बनाने की तकनीकों पर भी है। औजार में जब हत्था जुड़ा तब मानव की ताकत बची, औजार का भी विकास हुआ, और जब उसे भाला फेंकना आ गया तब उसके दौड़ने का काम उसके हथियार ने किया। छोटे तेज दांतों वाले ये हल्के औजार हमें खेती की दहलीज तक ले आते हैं। यहाँ खेती शुरू हुई और बस 3000 साल बाद आए हड़प्पा के शहर। ईंट है दीवार की इकाई, दीवारों से बनते हैं घर, घरों का समूह मोहल्ला बन जाता है, मोहल्लों को जोड़ती हैं सड़कें और गलियां, और कई मोहल्ले जुड़कर बन जाता है शहर। बनने को तो शहर यूं ही बन सकता है, लेकिन हड़प्पन सभ्यता के सभी शहर सुनियोजित थे। पक्की ईंटों का इस तरह से इस्तेमाल बाद में वैदिक काल के शहरों में नहीं हुआ,
पर यज्ञ के लिए चित्ती वो लोग ईंटों के ही बनाते थे और इससे उनकी ज्योमेट्री आगे बढ़ी, जैसा कि शुल्ब सूत्रों से पता चलता है। इस थ्योरम का ग्रीक पद्धति का प्रूफ जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है त्रिकोण पर आधारित है। शुल्ब सूत्र में इसे आयत के आधार पर समझाया गया है। एक आयत लेते हैं, साथ वाली दो बाजुओं पर वर्ग बनाते हैं। अब आयत में एक कर्ण रेखा खींचते हैं और उस पर एक वर्ग बनाते हैं। सूत्र यह कहता है कि कर्ण रेखा पर बने इस वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बाजुओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर होगा। पर साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शुल्ब सूत्रों में इन प्रमेयों के थ्योरम्स के प्रमाण शामिल नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि प्रमाण जरूर रहे होंगे, लेकिन इन्हें सूत्रों में पिरोया नहीं गया है। लेकिन ये बात तो सच है कि इसी कमी के कारण हमारी यहाँ की ज्योमेट्री में ग्रीक ज्योमेट्री जैसी एक लॉजिकल सिस्टम नहीं बन पाई। सारी विद्या ब्राह्मणों ने अपने पास रखी, औरतों को ज्ञान पाने का अधिकार नहीं था और ना ही नीची जातियों को। बस आयुर्वेद की बात अलग थी। बस्तर में गंजुआ राम जी नाम के भगत से मिले थे। आयुर्वेद में आदिवासी और लोक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने पर जोर है। इस तरह ये अपने समय की सब विद्याओं में अनोखा है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, औषधियों में जो जड़ी बूटियां काम में आती हैं, उनको पहचानने के लिए वैद्य को उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो जंगलों से फल फूल पत्तियां और कंदमूल ढूंढ कर लाते हैं, जैसे कि शिकारी, चरवाहे वगैरह। चरक संहिता के अनुसार रोग को समझने के तीन उपाय हैं, बुजुर्गों की शिक्षा, खुद निरीक्षण और तर्क और विश्लेषण के सहारे निदान। पर जरूरी है कि बुजुर्गों की शिक्षा निरीक्षण और विश्लेषण की कसौटी पर खरी उतरे। आयुर्वेद में हर बात को खुद परख कर देखने पर जोर था, तर्क कर पाना संभव था, तभी तो इसका विकास हो सका होगा। यही साइंस का तरीका है, पर जहाँ सोचने की आजादी नहीं होती, एक घुटन पैदा होती है और सत्तावादी विचारों से हटकर नए विचार सामने आते हैं। थी हर ओर अजीब अशांति, विचारों में हो रही थी क्रांति, किसी ने कहा जीवन एक भुलावा है, संघर्ष एक छलावा है, किसी ने कहा ईश्वर तो जग में नहीं है, जन्म के बाद जन्म नहीं है, किसी और ने ये कह डाला, फर्क नहीं पड़ता है जरा, काम करो अच्छा या बुरा, मिलता नहीं अच्छे कर्म का फल, न बुरे कर्म की मिले सजा। इस मग का रंग भूरा क्यों है और आसमान का नीला? इस संतरे की सुगंध इतनी तीखी क्यों है? मेरे हाथ में यह संतरा है भी या नहीं? है, क्योंकि मेरी सेंसेस मुझे बताती है कि यह सचमुच है। ये सब विज्ञान के सवाल हैं और फिलॉसफी के भी। सेंसेस या इंद्रियों पर विश्वास करने वाले भौतिकवादी थे, उनके विपरीत थे मायावादी, जिन्हें इस दुनिया की सच्चाई पर विश्वास नहीं था, और लोकायतिक भी थे अति भौतिकवादी, जो तर्क और बहस के माहौल से दूर ही रहना पसंद करते थे। निश्चय ही, लेकिन जब कुआं सपने में देखते हो तब जागने के बाद वहां कोई कुआं नहीं होगा। यह जीता जागता जीवन भी एक सपने की तरह है, और यह कुआं यहां सचमुच है तुम साबित नहीं कर सकते। मित्र, मैं जानता हूं कि कुएं का सपना एक भ्रम है, क्योंकि मेरे जागने पर मेरी इंद्रियां और विवेक मुझे ये बता देते हैं कि वो एक सपना था। अब इसी से साबित होता है कि इंद्रियां और विवेक ही सच का ज्ञान कराती है। और जब तुम अपने सपने को भ्रम मानते हो, तब तो तुम भी अपनी इंद्रियां और विवेक पर ही भरोसा करते हो। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इंद्रियां और विवेक भ्रम जाल हैं, धोखा देते हैं? इस तरह तो तुम अपने ही विचारों का विरोध कर रहे हो। चलो मान लिया कि कुआं है, पर क्या इसमें पानी है? ओफो, ये लोकायति कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे।
जमाने के विद्वानों की भी मजबूरी रही होगी। समाज में मान्यता के लिए उन्हें वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक मामलों को भी साथ साथ रखना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करते तो मुमकिन है कि आज हम उनके नाम से भी वाकिफ। और ये भी हो सकता है कि उनकी आस्था यही रही हो, थे तो वो भी इसी समाज का हिस्सा। इसीलिए मैं आर्यभट्ट को विशेष मानता हूँ। अगर शुरू और आखिर के वंदना के अंश को छोड़ दें तो गैर वैज्ञानिक मामलों का आर्यभट्ट में जरा भी जिक्र नहीं। धातुओं के गुण दोष जानने पर मानव सबसे ज्यादा सोने से प्रभावित हुआ, जिसमें न कभी जंग चढ़ती है न कोई दोष पैदा होते हैं। तब इच्छा हुई सोने जैसा दोषहीन शरीर पाने की। माना जाने लगा कि अगर सोने का किसी न किसी रूप में सेवन किया जाए तो यह इच्छा पूरी हो सकती है। इसलिए रसविद्या दो खोजों में जुट गई, एक थी किसी भी धातु को सोने में बदलना और दूसरी थी अमरता या चिरयौवन पाना। इन खोजों के लिए खनिजों और जड़ी बूटियों पर अनेक शोध किए गए। यही ज्ञान आगे जाकर मॉडर्न केमिस्ट्री भी बन सकता था, मगर यहाँ पर ये केवल आयुर्वेद के ड्रग सिस्टम तक ही सीमित रह गया। दूसरे देशों से मेलजोल ने भी विज्ञान को आगे बढ़ाया है। हाँ, रस विद्या में, मैथमेटिक्स में अरब चीन भारत के बीच काफी लेन देन हुआ। शून्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी प्राचीन सभ्यताओं में था, जैसे कि बेबीलोन, चीन। लेकिन ये हमारे गणितियों का कंट्रीब्यूशन था कि शून्य से नौ तक के अंकों से किसी भी संख्या को दर्शाने का उन्होंने आसान तरीका बनाया और शून्य को एक स्वतंत्र अंक का दर्जा भी दिया। छठी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक नए नियम में बांधा, जिसे आज हम ऑपरेशंस ऑफ जीरो कहते हैं। सोचने की बात, साइंस को एक ऐसा खुला माहौल चाहिए जिसमें नए विचार सामने आ सके, फैल सके। तो फिर अकबर के जमाने में साइंस में कोई खास तरक्की क्यों नहीं हुई? कल्चरल लेवल पे तो काफी मेलजोल होता रहा। अरबी, फारसी, संस्कृत किताबों का अनुवाद जारी था। खैर, खुला माहौल होने से ही तो शायद बात नहीं बनती। अब जयपुर के राजा जयसिंह को ही लो। हाँ, जयसिंह की एस्ट्रोनॉमी में रुचि कैसे हुई होगी? इन फिल्मों में हमने हमेशा साइंस को समाज से जोड़कर देखा। तारों की जगह नए चांद का उगना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, ग्रह तारों का योग, ये सब बातें जब इस किताब से मालूम की जाएंगी तब वो जिस हद तक हो सके सच के करीब होंगी। बस उसके मन में जिज्ञासा थी, ग्रह तारों को देखकर उनके बारे में जानने की उसे बड़ी इच्छा होती थी। ये कौतूहल वाली बात तो वैसे हर उस व्यक्ति के लिए सही है जिसने विज्ञान में बड़ा काम किया हो। ये बात पूरी मानव जाति के लिए सही है। उस कौतूहल के बिना तो हम अब भी पत्थर युग में होते। कल से सीखे कौन है हम, वो कहां हमें ले आया। जो बीत गई सो बात गई, पर उसने आज बनाया। और ये तो बिल्कुल हम पर है कि आज को दे बदल। ये आज पे है के कैसा होगा आने वाला कल। आज हमें परिभ्रमण पर जाकर के कुछ पत्तियां, कुछ पत्थर और मिट्टी इकट्ठी करनी है। बाद में हम उन पत्तियों के विषय में कक्षा में बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे। परंतु एक बात की हमको सावधानी रखनी है कि जिस समय हम पत्तियां तोड़े तो पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। सामने बैठी हुई टोली को पास में जाकर के मिट्टी इकट्ठी करनी है। मैं मध्य प्रदेश के कुछ स्कूल्स में गई थी जहाँ एकलव्य ग्रुप का स्कूली शिक्षा में सुधार लाने का काम चल रहा है। पहले तो विज्ञान पढ़ाने के ढंग पर ही प्रयोग किए गए।
मिले तुम्हें? सरसों का पेड़। सरसों के पेड़ पर? ये एक जगह ही से सब जड़ पोकती है। देखो, लेकिन ये भी तो है ना लंबी लंबी जड़, इसको भी तो एक जगह से पोकती है। ये मेरे हाथ में दो पौधे हैं, इनमें आप बता सकते हो कि मूसला जड़ कौन सी है? मूसला जड़ ये वाली। अच्छा, और जकड़ा जड़? ये वाली है। तुम बताओ ये काहे का पौधा है? इसमें जड़ कौन सी होती है? झाकड़ा जड़। अच्छा, और ये कौन सा पौधा है? सोयाबीन का। इसमें कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ है। तो इसमें पत्तियां आपको दिख रही है? क्या ऐसे फल हैं जिसमें कि अंकुरी जुड़ी हुई है? नहीं सर। हैं? नहीं। अच्छा ठीक है भाई, तो अब फल बाजार में तो नहीं है, तो अब हम चले भाजी बाजार में, सब्जी बाजार में। तो सब्जी बाजार में भी हम देखें कि क्या कोई ऐसी सब्जियां हैं जिसके की अंदर हमको अंकुरी दिख रही है। कौन कौन सी? बैगन। अच्छा गिलकी देखो, गिलकी में भी क्या है? फूल है सर, नीचे फूल है। लौकी, ककड़ी, नीचे फूल का। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कुछ बताना है तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कोशिश ये थी कि विज्ञान की शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे कि लोगों की सोचने की और समझने की जो ढंग होता है उसमें बदलाव आए, वो एक वैज्ञानिक मानसिकता को साथ लेके आए। और वैज्ञानिक मानसिकता से मतलब सिर्फ विज्ञान से जुड़ी बातों का नहीं था, मतलब ये कि लोग जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जो समाज को देखते हैं, उसके बारे में उनके सोचने का ढंग बदले और वो उसके बारे में सवाल खड़े करना शुरू करें। इसमें एक ख़ास तरीका जो अपनाया गया उस कार्यक्रम में वो ये था कि जो शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिनको बहुत सालों का अनुभव है गांव में काम करने का, बच्चों के साथ काम करने का, इस अनुभव का उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक उनको जोड़ा जाए इस काम में और वो साथ साथ ये बताएं कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से अगर चीज़ों को रखा जाएगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे। पुराने पाठ्यक्रम में जो बच्चा सीखता था वो ये था कि निश्चित था, वो उससे हटकर कुछ सोच नहीं सकता था। इस पाठ्यक्रम में ये एक विशेषता है कि बच्चा बहुत कुछ करके जब देखता है तो उसको नए नए अनुभव मिलते हैं। जैसे पहले पाठ्यक्रम में एक विशेष प्रकार का फूल बता दिया, उसके अंग बता दिए, अब इसमें क्या है कई प्रकार के फूल देखता है, उनके बारे में नए नए फूल लाता है, वो खुद लाता है कक्षा में और फिर प्रश्न करता है शिक्षक से, करता है ये कौन सा फूल है, क्या है और उसकी रचनाएं हैं, और भी कई उत्सुकता के प्रश्न उसके होते हैं, जब तक शिक्षक से बनता है वो हल करते हैं और अपने मित्रों से सहयोग लेते हैं। उसके अलावा भी उसकी शंकाएँ कई बार तो जो होती है, उसके जो प्रश्न होते हैं उनको शिक्षक भी हल नहीं कर पाते हैं। पढ़ाने वाले हैं वो ट्रेनिंग के समय सब चीज़ें खुद से वहाँ करते हैं, वो करते हैं प्रैक्टिकल्स, तो उसमें खूब चर्चा होती है, बहस होती है, हर चीज़ वो अपने लिए साफ करने की कोशिश करते हैं और यही मेथड उनको बाद में फॉलो करना है बच्चों के साथ। हाँ। कि बच्चे खूब सवाल पूछें, तो जब तक वो ये करके नहीं देखेंगे अपनी ट्रेनिंग में वो उस तरह से इन चीज़ों को करवा नहीं पाएंगे। बच्चों की तरफ से तो और विषयों में भी सवाल पूछना लाजमी था और बहुत ही स्वाभाविक था, बच्चे पूछने लगे थे, लेकिन और जो पाठ्यक्रम थे, जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम है, इन चीज़ों में अगर वो पाठ्यक्रम से हट के कुछ सवाल पूछते थे तो उन पाठ्यक्रमों में या उनके पढ़ाने की विधि में कोई संभावना नहीं रहती थी कि इन चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाए। इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल के ही संदर्भ में नया पाठ्यक्रम विकसित किया गया। इसमें इतिहास का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि इतिहास में जो परिस्थितियाँ रही हैं उनका विश्लेषण करते हुए उस परिस्थिति को समझना और उस सामाजिक संदर्भ को समझना, और इसके आधार पे जो मूल्य अभी स्थापित हैं उनको उन पर सवाल उठाना। पढ़िए प्रवीण। ऐसा लगता है कि बुद्ध और अशोक के दिनों सब लोग अलग अलग जातियाँ में नहीं बैठे थे, उन दिनों अलग अलग काम अंदर थे, जातियाँ नहीं थी, मगर बुद्ध और अशोक के समय भी कुछ जातियाँ बन चुकी थी, जैसे ब्राह्मण जाति,
ब्राह्मणों ने कई पुस्तकें लिखी जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। इन पुस्तकों में लिखा है अगर एक ब्राह्मण और एक शूद्र एक ही तरह के अपराध करते हैं तब भी ब्राह्मण को कम दंड और शूद्र को अधिक दंड दिया जाना चाहिए। सबसे मुख्य अंतर कौन सा है? जाति का। माने जाति का बंधन आपको रुकावट डालता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप भोले को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराइए, आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे आप बताइए? सर हमारे माता पिता मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर वो हमारे से नीची जाति का। और आप कौन सी जाति के हैं? सर हम ब्राह्मण जाति के हैं। आप ब्राह्मण जाति के हो? यस सर। आप चाहते हो कि नहीं कि उसको हम ले जाकर भोजन करा दें? सर हम चाहते हैं पर हम माता पिता रोक देंगे। क्या ये बात आप लोगों के साथ भी सही है? यस सर। क्या इस प्रकार की जातियों का आज हम मान सकते हैं कि अपने काम के आधार पर ही जातियाँ बनना चाहिए या रहना चाहिए या है? आजकल हमारी उन्नति का मुख्य आधार क्या रह गया है? पढ़ाई, योग्यता। आजकल का हमारा उन्नति का आधार क्या रह गया है? योग्यता। जब जाति के ऊपर या धर्म के ऊपर चर्चा हो रही है तो कई चीजें बिल्कुल कक्षा में महसूस होती हैं कि ये आपसी टकराव हो रहा है और इस संदर्भ में शिक्षक के ऊपर एक काफी दबाव रहता है कि कैसे वहाँ की स्थिति संभाले। 96 पेज निकालिए आप लोग। उसी तरह से नागरिक शास्त्र में जो स्थानीय संदर्भ हैं उन्हीं के संदर्भ में योजना या सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका विश्लेषण करने की कोशिश की है। पैराग्राफ दूसरा। इस तरह हरित क्रांति से उत्पादन तो काफी बढ़ा पर इन इलाकों में अधिक जगह पहले से अधिक उत्पादन होता था। साथ ही बड़े और मध्यम किसानों को इस नीति से अधिक फायदा हुआ। हमारी समस्या जो थी वो हल हुई। कौन सी? अनाज की। बाकी किसके पास पैसा, कौन अमीर बन रहा कौन गरीब बन रहा, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। गरीबी तक चले आ रहा है इस देश में। गरीबी दूर नहीं हो रही है ना? क्या होगी भी नहीं, बढ़ती जाएगी। अच्छा ये आप किस आधार से कह रहे हो बढ़ती जाएगी, कोई बता सकता? अच्छा एक मिनट तुम बताओ। गरीबी बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है तो गरीबी बढ़ती जाती है। बड़ी मोटी बात समझ में आती है। अच्छा और जनसंख्या से गरीबी का क्या मतलब? हाँ जनसंख्या से गरीबी का क्या संबंध? अच्छा आप जब पढ़ के तैयार हो जाओगे बिल्कुल तो गरीबों की संख्या में आओगे कि? अरे भाई दे नहीं सकते। हाँ ये विकास अच्छी बात बता रहा। क्या करो बेटा? सर धंधा कर सकते हैं। धंधा कर सकते हैं। लोगों को समझ में आया कि केवल उत्पादन के बढ़ने से विकास नहीं होता, गरीबी दूर नहीं होती। कई जगह आंदोलन शुरू हुए। गुजरात और बिहार में छात्र छात्राओं ने रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन किए। बिहार और बंगाल में भूमिहीनों और छोटे किसानों ने जमीन के लिए आंदोलन किए। एक मिनट अब प्रश्न करो क्या है। अरे छात्र छात्रा जब सर पढ़ते थे फिर उन्होंने रोजगार की मांग क्यों की? हाँ आप सोचिए, छात्रों ने यह सोच करके कि देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हमारे भाई बहन सब समाज में घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये आंदोलन किया कि हमको भी भविष्य में काम मिले, पढ़े लिखे लोगों को काम मिले। जैसे उदाहरण के लिए वही आपसे अभी जो प्रश्न हुआ था कि आप भविष्य में क्या आपको निश्चित है कि रोजगार मिल जाएंगे? आगे बढ़िए, समझ में आया? तुम्हारी राय में हमारे देश में गरीबी का क्या कारण है? क्या तुम कुछ ऐसे तरीका सुझा सकते हो जिनसे गरीबी भी दूर हो जाए और उत्पादन भी बढ़े? जो नया पाठ्यक्रम है इसमें कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं कि क्या आपके यहाँ ऐसा होता है, यानी पाठ्यक्रम को माहौल से जोड़ा गया है तो इसके साथ साथ बच्चे में अपने अधिकारों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है जो कि मतलब नागरिक शास्त्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हाँ बताओ। यदि भारत कर्ज ना ले तो? कर्ज लेते ना सर तो उनको जो विदेश में कमी रहती है चीजों की हाँ। वो अपने भारत से लेकर उनको दबाव डालते हैं अपने। अच्छा अपन दूसरे देशों से कर्ज नहीं लेंगे तो अपने को जो जो अपने खेतों में बोना वो बो सकेंगे और उससे हाँ। आत्मनिर्भर होंगे, बात बड़ी सम्मान की है निश्चित रूप से। और यदि अपन कर्ज दूसरे देशों को दे तो क्या हो? इस पद्धति को लागू करने में एक बड़ा सवाल जो आता है वो मानसिकता बदलने का सवाल आता है। इसमें शिक्षक की मानसिकता और शिक्षा तंत्र की
सोच और समझ, ये दोनों चीजें आ जाती हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बहुत छोटी समस्या नहीं है। मजा आ गया इन बच्चों को देखकर, लेकिन एक छोटी सी बात मन में आए बिना नहीं रहती कि बड़े होकर स्कूल से बाहर की दुनिया में भी क्या वो इसी तरह सवाल पूछ पाएंगे। वैसे कुछ आदतें ऐसी होती है जो अगर बचपन से पड़ जाए तो जल्दी से छूटती नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों को समाज से कोई ज्यादा प्रोत्साहन मिलता। इस तरह से सवाल उठाना, हर चीज को बारीकी से परखना और फिर रोज की जिंदगी के टेंशन होते हैं, आर्थिक दिक्कतें वगैरह, इन सबके सामने ऊंची ऊंची बातें कहाँ टिक पाती है। पर रंजन, आर्थिक दिक्कतों से भी बढ़कर सामाजिक दबाव होते हैं और तब यही आसान लगता है कि बनी बनाई लीक पर ही चलते रहो। मतलब कि दकियानों से ख्यालों में फंसे रहो और ऐसा कोई सवाल मत पूछो जिसके पूछे बिना भी काम चल जाए। ऐसे माहौल में सवाल करना, किसी बात पर विश्वास करने के पहले सबूत मांगना, एक खास संकल्प के बिना नहीं होता। पर कम से कम आज ऐसा कर पाना संभव है। पुराने जमाने में तो ऐसे व्यक्तियों को जात या समाज से बाहर कर दिया जाता या कैद कर दिया जाता। होने को तो आज भी होता है कहीं कहीं, हमारे यहाँ भी इस 20वीं सदी में 10वीं 15वीं 16वीं सदी के सोच विचार और तौर तरीके बिल्कुल मारुति और मिक्सी के साथ साथ नजर आते हैं। अगर यूरोप को 100 वर्ष लगे या 200 वर्ष लगे जिस असमानता को मिटाने में, आज विज्ञान ये संभव बनाता है कि आप उसी अस्पृश्यता, उसी निरक्षरता को एक 10 साल के अंदर मिटा दें। चीन ने मिटा दी, हमसे ज़्यादा पिछड़े हुए वियतनाम ने मिटा दी। तो बहुत से लोग जो वैज्ञानिक रूप से हमसे पिछड़े हुए हैं, उन्होंने सामाजिक चेतना और संगठन के आधार पर इन गरीबी नहीं मिटा सके तो डेस्टिट्यूशन को दूर कर दिया, बेगरी को दूर कर दिया। हम वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा उन्नत होते हुए भी सामाजिक रूप से उतने संगठित नहीं हैं और सामाजिक उद्देश्यों की तरफ उतने सचेत नहीं हैं आज कि हम इस वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल कर सकें, एक एक लड़ाई छेड़ना, एक अभियान छेड़ना। विक्रम साराभाई ने से जब ये पूछा गया कि अमीर देशों के लोग कहते थे तुम लोग गरीब हो, तुम अभी से स्पेस युग में क्यों जा रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए लग्जरी है, उन्होंने कहा नहीं, गरीब देश के लिए ये नेसेसिटी है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, उन्होंने कहा कि टाइम हमारे लिए का कॉन्स्ट्रेंट है और डिस्टेंस की हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इसको दूर करने में हमारा संचार माध्यम हमारे लिए ये संभव करता है कि हम पिछड़े से पिछड़े इलाके में एक टेलीविज़न लगा देंगे और वो सामूहिक टेलीविज़न होगा जिसको सब लोग देख सकते हैं, तो जो लोग पढ़ भी नहीं सकते वो देख सकते हैं। सन 84 में आपकी सॉफ्टवेयर कमेटी रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें आपने दूरदर्शन के बारे में काफ़ी प्रस्ताव रखे थे। आज हमारे जन संचार माध्यम किस तरह काम में लाए जा रहे हैं, इस पर आप कुछ रोशनी डालिए। अब कितने टेलीविज़न होंगे, करीब अगर मान लीजिए 1 करोड़ टेलीविज़न भी भारत में अगर टेलीविज़न सेट्स हैं तो वो कहाँ हैं? ये सब मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में या बड़े बड़े शहरों में या ऐसे गाँव में जो कि शहर के नज़दीक हैं उनमें हैं। वो विक्रम साराभाई का स्वप्न तो नहीं हुआ कि हर पिछड़े गांव में पहले, तो मार्केट फोर्सेस को छोड़ देने पर ऐसी फिल्में हैं या ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जिनसे कुछ ही लोगों का फ़ायदा होता है, ऐसे गुड्स को एडवर्टाइज करने के लिए जो आम जनता के सुविधा के गुड्स तो नहीं हो सकते, जो सिर्फ कुछ लोग अमीरों के ही काम में आते हैं। और वो शिकंजा इतना ज़बरदस्त हो गया है कि हमारी रिपोर्ट में इंदिरा जी ने जब इस कमेटी को बनाया था तो इस आशा हमसे, हमको ये आशा दिलाई गई थी कि आपकी रिपोर्ट का इस्तेमाल होगा टेलीविज़न को आम जनता तक फैलाने के लिए और आम जनता के लिए उपयोगी बनाने के लिए, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। गठबंधन बन गया है संचार क्रांति में और वो लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो दकियानूसी बातें फैलाते हैं, जो लोगों में चेतना नहीं फैलने देते, जो उनको अभी पुराने मध्ययुगी पिछड़ेपन से उठने नहीं देना चाहते ना, उनके बीच एक गठबंधन बन गया है। कुछ दिन पहले मैं इस शहर में आया, छोटा शहर है जिसकी आबादी लगभग आधी हिंदू है आधी मुस्लिम,
पुराना शहर है जो दूसरे पुराने शहरों से बहुत मायनों में मिलता है। आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, अहमदाबाद, दिल्ली और बम्बई के कुछ इलाकों से भी संवेदनशील शहर कहलाता है। यहाँ कौमी दंगे होते रहे। शहर के बाजारों और कारखानों में घूमकर पता चलता है कि काम धंधे में दोनों कौम के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। कई नए और पारंपरिक उद्योग हैं। ये भी कि अक्सर मालिक एक कौम का होता है, मजदूर दूसरे कौम के। लोग एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर हैं। पर जिस तरह शहर का विकास हो रहा है उसमें हिंदू इलाके अलग बस रहे हैं, मुस्लिम इलाके अलग। अखबारों में दंगे फसाद के बारे में पढ़कर मन में सवाल आते हैं कि दंगा क्यों होता है, सांप्रदायिक विचार कैसे फैलते हैं। मैंने कई लोगों से बातें की, लेकिन जहाँ ये मजदूर मिल करके काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब आपके बिना हम और हमारे बिना आप की गुजर नहीं है। और आज की तारीख में भी वो काफ़ी निकट हैं एक दूसरे के, इतना अलगाववाद सा नहीं लगता अगर हम वहाँ जाएं जहाँ मेरठ के उद्योग हैं। तो मिलकर तो काम करना ही पड़ रहा है और कर ही रहे हैं काम, लेकिन वो जो अलगाववाद है वो अपनी जगह है और वो हर पैंतरे से आक्रमण करता है और उसका आधार बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जरूर दे दिया गया है, लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन उसके पीछे ठोस आधार जरूर है और अगर वो ठोस आधार ना होता तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो इशू था वो इतना ज़्यादा प्रोवोक ना कर पाता लोगों को। इसका शायद जितना राजनीतिक कारण है, मेरी दृष्टि में इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। आप एक सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हरपाल सिंह और डॉक्टर सावित्री सिंह दोनों कॉलेज टीचर हैं, बरसों से सांप्रदायिकता का विरोध करते रहे हैं। फिर भी उनका लड़का प्रभात जो डॉक्टर था 87 के दंगों में मारा गया। उनकी बहू अलका भी डॉक्टर है, दो बच्चे हैं। वैसे इन बातों का हमारी चर्चा से कोई संबंध नहीं, पर एक तरह से है भी। ऐसे हालात में धर्म निरपेक्ष बने रहना कितना आसान होता होगा पता नहीं। डॉक्टर हरपाल सिंह के साथ मैं शहर में घूमा, ऐसे इलाकों में गया जहां लोग दंगे भुगत चुके हैं। देखिए साहब, मेरा नाम जमालुद्दीन है और मैं हाशमपुरे में लगभग 25 साल से रहता हूँ। यहाँ ऐसा हुआ कि एक्चुअल में हाशमपुरे में कोई भी हिंदू मुस्लिम फिसाद पिछले साल 87 में था ही नहीं, बल्कि हमारे साथ तो प्रशासन ने, पीएसी ने, मिलिट्री ने जो कुछ भी किया है वो प्रशासन ने ही किया है। वैसे हाशमपुरा में आबादी पूरी मुस्लिम आबादी है? जी हाँ, हाशमपुरा के अंदर पूरी मुस्लिम आबादी है। उसमें कुछ लोग कम से कम 10-12 मकान हिंदुओं के भी हैं। अब उसकी मिसाल ये है कि हिंदू मुसलमान झगड़ा, मैं यूँ नहीं कहता कि यहाँ 10-12 मकान जो हिंदुओं के हैं उनके ऊपर मुसलमान ने कोई क्षति नहीं पहुँचाई, उन्हें ना ही कोई नुकसान पहुँचाया, ना किसी को मारा पीटा। 22 तारीख शाम को 3:30 बजे के लगभग पूरे हाशमपुरे को घेर लिया था और हर एक आदमी को 10 साल के बच्चे से लेकर और 60 साल से बूढ़े तक को सबको गिरफ्तार करके वो मारते पीटते सबको बाहर सड़क पर ले गए थे, जिसमें मैं भी खुद गया था। 42 बच्चों को छाँट कर मुरादनगर नहर और हिंडन नदी पर ले जाया गया और वहाँ हर एक को गोली मार मार कर नहर में पानी फेंक दिया गया और बहा दिया गया। जिनमें से मौके वारदात के गवाह जो हैं वो 6 बच्चे बच गए हैं, जिनमें से एक गवाह को मैं अभी आपको मिलवाता हूँ, जनाब उस्मान साहब हैं, और उसके अलावा सारे ही रजिस्टर जो हैं ये मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, अब ये 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 17 साल, 14 साल और केवल 13 साल है। ये एक ही घर के 3 बच्चे हैं। उसके बाद देखिए, ये 21 साल का बच्चा है, ये 13 साल का बच्चा है, ये 45 साल का बूढ़ा है। यानी पीएसी ने किसी को भी बख्शा नहीं है।
मैंने सुना कि आपके साहबजादे भी। हाँ, मेरे साहबजादा कमुद्दीन, मेरे लड़का कमुद्दीन, उम्र 22.5 साल थी उसकी, वो भी नावली के अंदर मारा गया। ये कमुद्दीन है। और आपको दो गोलियां लगाने के बाद नहर में डाल गया, फिर क्या हुआ? मैं पानी में से बाहर निकल के ऊपर आ पड़ा, सामने से एक बुलेट आ रही थी, तो मैंने उसे हाथ का इशारा देकर रोका। वो पुलिस वाले थे, वो एक जीप लेकर आया, उसे खड़ी करके और मुझे डाल के अस्पताल ले जाया गया। मैं कहा, बेटा हम तुझे अस्पताल ले जा रहे हैं ठाकर के, वो तेरे जी में जो तुझे कहना वो कहिए, ऐसे पीएसी का नाम मत लिए। यूं लोगों ने एक तरफ प्रशासन को ही दोषी ठहराया, पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार की बात की, लेकिन बाद में मैं जिन लोगों से मिला, दंगों के बारे में उनकी समझ कुछ अलग ही थी। हाशिमपुरा और सुभाष नगर के बीच एक छोटा सा नाला ही है, पर वैसे बहुत बड़ा फासला पाया मैंने। ऐसा था जी, 19 की सुबह को उधर से हल्ला हुआ हाशिमपुरे से, तो इधर से भी लोगों ने हल्ला मचाया, फिर ईंट पत्थर बगने लगे दोनों तरफ से जो है। इसके बाद जो है कुछ टायर के टुकड़े उकड़े फेंके, उसी बीच मेरा बच्चा जो है एक छत पर चला गया अपने छोटे भाई को देखने के लिए, तो उधर से हाशिमपुरे की तरफ से गोली चली और वो उसके पेट में लग गया। लेकिन ये फसाद शुरू कैसे हुआ? ये फसाद तो कई दिन पहले से शहर में तनाव था बहुत ज़्यादा, और 19 की सुबह को ये पूरे जोर से शुरू हो गया जो है। लेकिन अब फिसाद के परिणाम के रूप में मुसलमान एक तरफ को और हिंदू एक तरफ को बसने लग गए, तो ये किस हद तक हम समस्या के एकीकरण की समस्या के निकट पहुंचे या दूर हो गए? डॉक्टर साहब, ये कभी हिंदुओं की तरफ से शुरुआत अब तक मेरठ के, जब से मैं रह रहा हूँ, मैं भी यहाँ सन 55 से रह रहा हूँ, और मैंने कभी यह नहीं देखा कि ये शुरुआत हिंदुओं की तरफ से हुई हो। उधर से ये कहा जाता है, अगर हमको हिंदुओं को ही मारना होता तो हमारे पड़ोस में 4 घर इधर और उधर लोधों के घर हैं, हम यहीं मार लेते, हम गोली उधर क्यों चलाते? आप इस पर प्रकाश डालें। अब ये तो असल में उन्होंने क्यों चलाई और इधर ही क्यों चलाई, उधर क्यों नहीं चलाई, इस बारे में तो ये इस बारे में तो असल में इस वक्त कुछ मस्तिष्क में आ नहीं रहा। मेरे ये नहीं समझ में आता कि पहले हम ये कह दिया करते थे कि अंग्रेज दंगे कराते हैं, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं, अब दंगे कौन कराता है? ये हाल में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस यहाँ हुए, उन पे दंगे का कोई असर हुआ क्या? 58 में से 6 तो मुस्लिम लीग ही जीत गए, बिना कुछ पैसा खर्च किए हुए, बिना कुछ ज़्यादा प्रचार किए हुए, और शहर में 13 बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के जीत गए, और वो कहते हैं कि तो हम आपस में ही लड़ गए और हम तो इससे भी ज़्यादा जीत सकते थे, जबकि मैं समझता था कि सेकुलर फोर्सेस शहर में ज़्यादा मजबूत हैं, होने भी चाहिए थे और हैं, ये बात सही भी है, लेकिन वो बटे हुए हिंदू मुस्लिम, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, हिंसा, दंगे, फसाद। इस शहर के एक कवि का कहना है कि यहाँ रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। कुछ लोग अपने धर्म को पूरे राष्ट्र की पहचान बनाना चाहते हैं। शहर के बाहर हाईवे के नीचे से गंग नहर निकलती है, जिसमें उस्मान और उसके साथियों को गोली मारकर फेंक दिया गया था। कई भले इंसानों ने बहती लाशों को देखा होगा, वो चुप क्यों रहे? दंगों के बाद उसी शायर ने लिखा था, अजनबी शहर है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले दोस्त बनाते रहिए। सदियों से हम चांद सितारों को, ग्रहों को देखते आए हैं, मगर कहीं अंतरिक्ष से अपनी धरती को देख सकें, ये सिर्फ हमारे ही दौर में हो सका है। और ये नज़ारा जो आधुनिक विज्ञान की देन है, हमारे सोच के दायरे में बदलाव ला सकता है। यूं देखें तो ये सारा विश्व कितना मिला जुला, आपस में बंधा हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब कुछ बर्बाद हो सकता है।
कोई एक देश अंतरिक्ष में हथियारों का घेरा डालने की तैयारी में है। पर यह भी सच है कि आज कला या विज्ञान में किसी देश या व्यक्ति का काम पूरी ही मानवता की मिल्कियत है। पृथ्वी को इस रूप में देखने के बाद क्या सांप्रदायिकता का कोई अर्थ रह जाता है? जाति भाषा के बंधनों में कोई सच्चाई है? जो इतनी इतनी बातें आज समझ रहे हैं, इस पृथ्वी को दूर से जाके देखते हैं कि हम सब एक साथ हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीने के जो कोड है डीएनए में लिखी हुई, कि मेरे जीने की जो लैंग्वेज, वो जबान है, वो जबान वही है जो हर एक के और के जीने की है, जो इस वृक्ष के जीने की है, पत्तों के जीने की है। तो ये अब हम ठीक से समझ रहे हैं। फिल्में पूरी होने को आई थीं जब हम मिले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के प्रोफेसर यशपाल से, जो हमारी एडवाइजरी कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं। इन फिल्मों में हमने हमारे इतिहास और विज्ञान की हमें बनाने में क्या भूमिका रही है, ये जानने की, समझने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि आज देखिए ना, हम लोग सैटेलाइट बना सकते हैं। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बहुत सी तस्वीरें दिखाई आपने, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इस तरह का, इस क्वालिटी का बहुत कम बने हैं। वो हम कर लेते हैं। हम रॉकेट भी उड़ा लेते हैं, अग्नि हो या पृथ्वी हो या SLV हो, एटॉमिक एनर्जी में बड़ा बड़ा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखने में बहुत होशियार हैं, हर कहीं दुनिया में भी, यहाँ भी। मटेरियल साइंस में हमको काफ़ी बड़ा दर्जा मिला हुआ है दुनिया में, पर हम गांव में पानी नहीं पहुंचा सकते। हमारे लाइट के जो सॉकेट होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते। क्या समस्या की एक वजह ये हो सकती है कि हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं? अगर बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो केवल वो टेक्नोलॉजी ही नहीं लाती, अपने काम करने का ढंग भी साथ में लाती हैं। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपकी सोसाइटी भी उसी तरह की बन सकती है जिस तरह की बाहर वाली है, करीबन करीबन। और हमारे देश में तो ये बहुत थोड़ी जगह हो सकता है, सेगमेंटेशन हो जाती है। पर एक चीज़ अभी तक हमने समझी नहीं, जिन चीज़ों में, जो चीज़ें हमको आजकल आसान लगती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, ऐसी चीज़ें जो आजकल की टेक्नोलॉजी की सोल है, उसकी निचोड़ है, जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी जैसा नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है कि जो आप करना चाहें कर सकते हैं इससे। लेकिन इस तरह का काम कुछ हो रहा है, आप उदाहरण दे सकते हैं? एक टेलीफोन में 30,000 रुपया लगता है लगाने का खर्चा, तो ठीक है, इस तरह से हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम आजकल की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपने देश के लिए बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर हम ऐसे सोचें कि हमें हर घर में नहीं देनी है कम्युनिकेशन, हमें हर एक गांव में देनी है, तो एक छोटा सा एंटेना हर एक गांव में लगा दें और कहें भाई ये गांव के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो हमारा जो इनसेट है उसके लिए बहुत काफ़ी है और इसकी टेक्नोलॉजी बन गई है और बना सकते हैं। पर ज़्यादातर होता इसलिए नहीं है कि बाहर वाले देश इस तरीके से नहीं करते। तो यही विज्ञान से सोचने की तरीके, सोशोलॉजिकली सोचने की तरीके हैं जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम करेंगे तो और जो है विकासशील देश बहुत सारे, वो भी ऐसे कर सकेंगे। हमने रॉकेट्स और रिएक्टर्स तो बना लिए, लेकिन इन क्षेत्रों की उपलब्धियाँ उनको उन्हीं तक सीमित रह जाती हैं। आगे क्या होता है? अगर रॉकेट कहीं से बाहर से हम ले लेते हैं तो उसमें तो लिखा होता है कि ये बना है, इसको ये स्क्रू टाइट करो, ये करो, इसके बाद ऐसा करो और चला दो। वो तो ब्लैक बॉक्स का ब्लैक बॉक्स रहता है। तो खुद करने से ये है कि ये संभवता है कि जो चीज़ आपने बनाई है उसके टुकड़ों को लेके आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो आपके समाज को चाहिए। तो आप टेक्नोलॉजी पे काबू पा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के स्लेव नहीं बन सकते। और इस आइडेंटिटी के साथ, इस भारत की छाप के साथ कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं,
हम जगह जगह से आए हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से धर्म हैं, ये बुरा नहीं है, अच्छा है। और हमारा बहुत लंबा इतिहास रहा है, जो भी आया, अंग्रेज भी आए, उनसे भी हमने कुछ लिया, कुछ दिया। तो इसके साथ ये एक मुल्क बना है जो आजकल चलने को तैयार है, सोचने को तैयार है, आर्गुमेंट करने के लिए तैयार है, और सिर ऊंचा करके कह रहा है कि हम आगे का अपना देश ऐसा बनाएंगे जो हमारा देश हो, हमारी तरह का हो, किसी की कॉपी नहीं है, किसी का नक्शा लेके नहीं बनाना है, अपने जैसा देश बनाना है।